भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में? सोमवार को तो हमने देखा है अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो क्या आज वो मोमेंटम जारी रह सकता है या फिर आज भी थोड़ी सुस्ती रहेगी, क्योंकि एशियाई बाजारों से तो संकेत कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट हफ्ता भी अगर बात करें तो कंसोलिडेशन का था, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मार्केट में आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते के लिए। सबसे पहला तो कि ये 15900 का लेवल और 33800 का लेवल, ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये क्रूशल रहेगा। जब तक कि हम इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक डिसाइसिव मूव की उम्मीद कम है। डाउन साइड भी मुझे कैप लग रहा है, बिकॉज कुछ एक इंडेक्स में जैसे जहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो उसकी वजह से सपोर्ट रहेगा बाजार में। तो 15500 से लेकर 15650 का जोन यहाँ पे आप देख रहे हैं, बार बार आता है इंडेक्स और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिलता है। तो ये एक एरिया होगा जहाँ पे आप क्या बाई के लिए देख सकते हैं, कंसिडरिंग कि अभी भी लोअर लेवल्स पे एक रिबाउंड दिख रहा है, बट क्योंकि अपसाइड कैप्ड है तो 850 से लेकर 950 का जोन होगा और रेस्ट करेगा ड्यूरिंग द डे। बैंकिंग जैसे हमने बात की कि 33800 मेजर हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है फिर 34200 तक के लेवल्स भी आप देखने को मिल सकते हैं, और नीचे पे 32600 से लेकर 33000 ये एरिया है जहाँ पे आपको बाई के लिए देखना चाहिए। ओके, तो ये राय निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में दे दी गई है। निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 15500 से 15650 है, ऊपर की तरफ 15850 15950 ये दायरा दिखाई दे रहा है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या होगी? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक भी इनफैक्ट जब मार्केट रेंज में रहा तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला, उसमें से जो लीड किया है इंडेक्स में जिसमें से आईटीसी में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला फ्राइडे के दिन। प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक ऑलमोस्ट मंथ लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा और नियर टर्म में 300 तक के टारगेट्स आईटीसी में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे आप लॉन्ग की पोजीशन बनाएं 275 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है कोरोमंडल। कुछ खास करेक्शन देखने को मिले नहीं है, स्टॉक में रिकॉर्ड हाई इसके पास ट्रेड कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव जल्दी ही अब दोबारा से एक फ्रेश ब्रेकआउट में तब्दील होगा, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं 920 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 के टारगेट्स के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो दो स्टॉक्स हैं, दोनों में ही खरीदारी करने की राय होगी। आईटीसी में पहले तो खरीदारी करने की राय है 300 के लक्ष्य, कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी यहाँ पर खरीदारी की राय ही आपको दी जा रही है। तो आज एक रेंज आपको बता दिया गया है, उस रेंज में बाजार कारोबार करता हुआ नजर आएगा, इस पर आप नजर रखें और आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको दें। एक बार FIs और DIIs के डेटा कैसे थे वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो FIs की लगातार कैश मार्केट में जो बिकवाली है वो जारी है, और 2325 करोड़ की बिकवाली FIs कैश मार्केट में करके गए, 1311 करोड़ की खरीदारी हुई है DIIC कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में आंकड़ा थोड़ा छोटा नजर आ रहा है बिकवाली का, 540 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली दिखाई दे रही है FIIs की तरफ से, और 401 करोड़ की खरीदारी है इंडेक्स ऑप्शन में FIIs की तरफ से। तो ये कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी यहाँ पर आए, और उसके हिसाब से जो तमाम क्यूज मिल रहे हैं उसके हिसाब से बाजार में आज आपको रणनीति भी सुझा दी गई है, एक रेंज में बाजार आज कारोबार कर सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ओवर द वीकेंड काफी ढेर सारी खबरें भी आई हैं, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं, और ये सब बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वार्टर FY23 के अपडेट्स हैं उस पर अब फोकस करेंगे। HDFC का सबसे पहला अपडेट आया, इंडिविजुअल बिजनेस में देखें तो शानदार ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला, 74% का ग्रोथ है, और इंडिविजुअल लोन्स में भी जो है अच्छी जो है बिकवाली देखने मिली है। और एक साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि BSE और NSE से जो HDFC और HDFC बैंक की मर्जर थी उसकी एक हेड्सअप मिल गई है, थम्सअप मिल चुकी है, और बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की भी इस साल में मिल जाएंगे, और ये बात जो है ऑलरेडी AGM में चेयरमैन ने कह दिया था। दूसरा स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट्स रहेगा, बहुत शानदार अपडेट्स आए हैं, यहाँ पे रेवेन्यूज़ लगभग 95% की बढ़ोतरी हुई है, और अब देखा जाए तो CAGR अगर फर्स्ट क्वार्टर FY20 से देखें तो लगभग 19% का ग्रोथ स्टॉक दिया है, और इस बार जो है
पिछले तीन क्वार्टर में ऑलमोस्ट 48 स्टोर्स जो है टोटली ऐड किया गया, लगभग 294 स्टोर्स आए। तीसरा स्टॉक इंडसइंड बैंक रहने वाला है। इनकी जो एडवांसेज इसमें 18% की ग्रोथ देखने मिली और कासा रेशियोज में भी जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। बैंकिंग के अलावा जो है CSB बैंक जो है आपके स्मॉल कैप स्पेस में, यहाँ पर भी ग्रॉस एडवांसेज में अच्छी देखने मिली है। कासा रेशियो में ग्रोथ लगभग 15% का हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, इनकी जो नेट रिटेल की जो बुक है वो 1,00,000 करोड़ टच कर गई है और कासा रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट आया है और आप देख सकते हैं एसेट क्वालिटी में भी टोटल इम्प्रूवमेंट देखने मिला। और ये जो बैंकिंग स्टॉक्स है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। फेडरल बैंक भी फोकस में रहेगा, यहाँ पर एडवांसेज में 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ, हालांकि कासा जो है सपाट रहा है। अब हम बैंकिंग अपडेट्स को जो है साइड में रखते हैं। फिर दूसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान जिंक, इनकी जो अपडेट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइंड मेटल प्रोडक्शन एक तिमाही में हुई है और आप कह सकते हैं कि माइंड मेटल प्रोडक्शन में लगभग 14% का जो है इजाफा हुआ है और रिफाइंड मेटल में 10% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये आपके जो है टोटल Q1 अपडेट जो है आपको टोटल देखने मिले हैं पूजा। ओके, तो काफ़ी सारे ढेर सारे अपडेट आए हैं। तो पहले तिमाही के यहाँ पर कंपनियों ने अपडेट जारी करना शुरू कर दिए हैं, तो इसके चलते भी आज इन सभी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है ओवर द वीकेंड। ये सारे नंबर्स आए, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान जिंक समेत काफ़ी सारे बैंकों के नंबर भी आए हैं, तो यहाँ पर नज़र रखिए। इसके अलावा शरद, आज के इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी होंगी और ट्रिगर्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल, फोकस करेंगे अब सेंस पे। तो आपके जो खबर है यहाँ पे सबसे पहले मुथूत फाइनेंस फोकस में रहेगा। RBI ने यहाँ पे अप्रूवल दे दी कि 150 नए ब्रांच जो है कंपनी खोल सकती है और इसमें जो है एक नई एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाले अपनी आम में बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस जिनका नाम है, लगभग 110 करोड़ का इन्फ्यूजन रहने वाला है। तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा। वीमार्ट ने भी अपडेट दिया है कि लगभग 11 नए स्टोर्स जो है पहले तिमाही में उन्होंने खोले हैं। तो ऑफकोर्स देख बहुत बज मिल रहा है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी स्टोर्स अब खुलने लगे हैं, वीमार्ट में भी जो है आपके फिजिकल स्टोर्स खुलने लगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है पोस्ट कोविड का। दूसरा स्टॉक रहेगा एशियन ग्रैनाइट फ्यूचर सिरामिक, जो उनकी खुद की होली ओन्ड आम है, वो अपनी काम शुरू कर दी है लार्ज फॉर्मेट टाइल्स को लेके मोर में, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा। दीपक नाइट्रेट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, यहाँ पे गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो प्लांट क्लोजर थी जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में, अब उसको रिवोक कर दिया है। इसका मतलब पहले जो क्लोजर का नोटिस था अब उसे बदलाव कर दिया और अब प्लांट जो है ऑपरेट कर सकती है। लगभग 50% कैपेसिटी रहेगी उनकी नाइट्रो सेक्शन की, नाइट्रो सेक्शन जो कहते हैं। और ये जो फायर ब्रेकआउट हुआ था वो लगभग June 2 को हुआ था, तो 2 महीने बाद जो है ऑफकोर्स आपके जो है ओवरऑल जो है स्टार्ट है देखने मिलेगी। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में रहेगा, यहाँ पे कंपनी ने जो है प्लान ड्रॉप कर दिया है कि वो JP सीमेंट की जो एक 3 MTPA की प्लांट है जिसका वैल्यू लगभग 1,000 करोड़ का 2017 में, उसकी जो है वो पूरी प्लान अल्ट्राटेक सीमेंट ने ड्रॉप कर दी है क्योंकि जो है सर्टन इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज अभी भी कंप्लीट नहीं हुए और अभी भी पेंडिंग है। हालांकि वो चाहते हैं कि अगर 620 करोड़ तक का वैल्यूएशन हो तो वो जो है उसमें जो है प्लांट खरीद सकते हैं, तो ये 2 ऑप्शन रखा गया, लेकिन अभी तक प्लान जो है ड्रॉप कर दिया गया। बिल्डकॉन का भी है, JV के लोएस्ट बिडर आए हैं लगभग 611 करोड़ के राजस्थान के प्रोजेक्ट में। इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स फोकस में रहेगा और ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है बहुत शानदार जो है तेज़ी भी देखने मिली थी और सबसे बेहतर तिमाही के जो है कंपनी ने सेल्स डिलीवर किए हैं, ऑलमोस्ट 47% का ग्रोथ देखने मिला है। और इसके अलावा जो है ये सेल्स ग्रोथ आपके अन्य विभिन्न कैटेगरीज में देखने मिले हैं, डैप हो या सल्फर हो या इवन PDM या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, तो ज़रूर ये स्टॉक में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देखने का उम्मीद है। और इसके अलावा आखिरी स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी को, USFDA के जो फॉर्म 483 होती है उसमें एक ऑब्जर्वेशन आई है उनकी औरंगाबाद फैसिलिटी में। ओके, तो काफ़ी ढेर सारी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड जिस पर कि आज हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ग्लेनमार्क फार्मा NFL में काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखी है 47% की, इस पर नज़र रहेगी। और इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, टेक सीमेंट, दीपक नाइट्राइट, एशियन ग्रैनाइट, वीमार्ट जैसे काफ़ी सारे स्टॉक्स, मुथूट फाइनेंस, काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा ढेर सारे पहले तिमाही के अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं, तो इन तमाम स्टॉक्स पर आज रिएक्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी समझ लेते हैं कि वहाँ पर आज रणनीति क्या बनाने के चले। और हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा इस वक्त मौजूद हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या रणनीति अपना के
चले आज कमोडिटी में, और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए, वहां क्या कर रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक गिरावट देखने को मिली है, मंदी की आशंका भी बढ़ती जा रही है, इसका असर कितना पड़ सकता है और कच्चे तेल में फिर क्या रणनीति अपना के चले इस गिरावट को देखते हुए? गुड मॉर्निंग, जरूर सर, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि क्रूड हो या बेस मेटल्स हो, सब में एंड सिल्वर हो, सब में एक इकोनॉमी के जो भी अभी रिसेशन की ओर जाने की मार्केट की उम्मीद है एंड जो भी सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसी है, इससे काफी मार्केट हुआ है। बट पर्टिकुलर नेचुरल गैस एंड क्रूड में थोड़ा बहुत ये हफ्ता जियो पोलिटिकल रिस्क एज वेल एज सप्लाई कंसर्न रहेगा, क्योंकि लगातार देखे तो सप्लाई इश्यू की वजह से सारे मेटल्स हैं एंड इसमें करेक्शन आया, बट सप्लाई का जो कंसर्न है क्रूड में नेचुरल गैस में जो बना हुआ है, मुझे लग रहा है लोअर लेवल से फिर से रिकवरी आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड की बात करें तो 110 का काफी हम सपोर्ट है और अभी यही सपोर्ट के पास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में जो कोई एक स्ट्रेटेजी अपनानी हो तो बाय एंड डिप का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। करीबन 1% के गिरावट के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन अभी क्रूड पे मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 8530 के करीब एक अहम सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। इंट्राडे में 8680 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 8460 का स्टॉप लॉस लगा है। आज कमोडिटीज में ध्यान रखना है, फर्स्ट हाफ में ही थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा क्योंकि यूएस आज बंद है, तो इस हिसाब से सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत एक टेपिड रेंज में कमोडिटी मार्केट में मूवमेंट देखा जा सकता है। बट मुझे क्रूड में एटलीस्ट लग रहा है कि अगर ये डिप खुलता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, 8680 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स ग्रुप पर। इसके अलावा ये भी बताइए रवि, सोने चांदी में क्या व्यू बन रहा है आपका, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि हल्की नरमी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो क्या करें सोने चांदी पर? जरूर से गोल्ड में जो ड्यूटी का कंसर्न है इस हिसाब से, अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में देखे तो वहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1800 के लेवल ब्रेक हुए थे, बट क्लोजिंग बेसिस पे लेवल अभी ब्रेक नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है कि अगर 1800 के नीचे गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। हालांकि सिल्वर, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में जो बेस मेटल का दबाव है वो वहाँ पे थोड़ा प्राइसेस को रेज कर रहा है, तो गोल्ड के बजाय मुझे लग रहा है सिल्वर में सेलिंग करना चाहिए। गोल्ड में अभी एक ड्यूटी का इश्यू भी था, हमने जो 5% ड्यूटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो न्यूज आया इस हिसाब से गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से आउट परफॉर्म कर रहा है, बट सिल्वर में मुझे लग रहा है कि लास्ट क्लोजिंग 58,200 के करीब था, उसको 58,400 के करीब बेस के चलना चाहिए, 58,780 का स्टॉप लॉस एंड डाउन साइड 57,500 तक के लेवल आपको सिल्वर इंट्राडे में दे सकती है। ओके, तो सोने की बजाय सिल्वर में यहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं और यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। बेस मेटल्स में रवि, इसके अलावा कहाँ मौके देख रहे हैं? बेस मेटल में क्लियर वीकनेस है, वहाँ पे लग रहा है कि आज भी ये वीकनेस बरकरार रह सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत वीकेंड का इश्यू था, इससे आपसे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एल्यूमिनियम में देखने को मिला था, बट मुझे लग रहा है कि लेवल सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ पे एक बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 212.90 के करीब एल्यूमिनियम के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना है, 208 का टारगेट, 215 का स्टॉप लॉस एंड कॉपर में भी बिकवाली का जो मूव है वो बरकरार है, इंटरनेशनल फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेशन के अंत तक ये बिकवाली जारी रही थी, तो कॉपर में भी 682 के करीब 688 के स्टॉप लॉस के साथ 670 के टारगेट के लिए सेल करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। वहां जो अदर फैक्टर्स देखे तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इसमें बिकवाली ज्यादा रहेगी। ओके, बहुत शुक्रिया रवि ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बेस मेटल्स में भी वीकनेस बनी रहेगी, कॉपर और एल्यूमिनियम में ज़्यादा वीकनेस दिख सकती है, तो एल्यूमिनियम में भी आपको 208 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, कॉपर में भी 670 का टारगेट आपको सुझाया गया है, इसकी यहाँ इस टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी बिकवाली कर सकते हैं। और क्रूड में खरीदारी करने की राय, सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय आज रवि आपको दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपको बताया, लेकिन इस बीच काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट आई है, एक बार वो भी देख लेते हैं। और अब वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपडेट लेकर। वामाक्षी बताइए, ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग। वेल गुड मॉर्निंग,
करते हैं हम कुछ मेटल शेयरों पर। जेफरी ने मेटल शेयरों पर अपनी राय दी है। उन्होंने टाटा स्टील और हिंडाल्को पर होल्ड करने की राय दी है। हालांकि उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंडर परफॉर्म की राय दी है। उन्होंने टाटा स्टील के लिए लक्ष्य रखा है 830 प्रति शेयर का, हिंडाल्को के लिए लक्ष्य है 310 प्रति शेयर का। याद रखिए, ग्लोबल रिस्क के चलते इंडियन मेटल स्टॉक्स ने निफ्टी को करीब 12 से 34% से अंडर परफॉर्म किया है जून तिमाही में। इसके अलावा फोकस करिएगा डिलीवरी पर। गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर न्यूट्रल की राय के साथ और लक्ष्य रखा है 540 प्रति शेयर का। ई कॉमर्स सेगमेंट में ग्रोथ प्रॉफिटेबल काफी नजर आ रही है और फर्स्ट माइल ऑपरेशंस के बढ़ते आउटसोर्सिंग के कारण मार्जिन्स में बढ़ोतरी दिख सकती है। और आखिर में फोकस करिएगा डीमार्ट पर। मॉर्गन स्टैनली ने ये स्टॉक पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य रखा है 4332 प्रति शेयर का। डीमार्ट ने एक पोस्ट क्वार्टर ऑपरेशनल अपडेट प्रोवाइड किया था सैटरडे को। उससे हमें पता चला कि रेवेन्यू में करीब 19% कैगर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। कंपनी ने पहले तिमाही में सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और कंपनी ने अपना जो चौथे तिमाही का नतीजे हैं वो आएंगे कंपनी के 9 जुलाई को, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके, तो ये सारी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं डिलीवरी पर, मेटल स्टॉक्स पर और इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट भी आज फोकस में रहेगा। बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो थी कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो हम आपको अभी बता रहे थे।